Assalamualaikum friends, this is Hassam and welcome to my YouTube channel Hassam Tutorials. तो दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली इंस्टाग्राम यूज़र्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, आप सब ने यूज़ करने के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ अकाउंट्स के आगे ब्लू टिक का निशान आ रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप उस ब्लू टिक के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम आप ओपन कर लें वहाँ से, और सब आपने अपने प्रोफाइल में आना है। प्रोफाइल में आने के बाद दोस्तों टॉप राइट कॉर्नर पे आपको जो थ्री लाइंस दिख रही हैं आपने इस पर टिक करना है, और बिल्कुल बॉटम में आपको दिख रही है सेटिंग, आपने सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अकाउंट लिखा आ रहा है, आपने अकाउंट में जाना है, और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट थर्ड लास्ट में रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इस प्रोसेस के दौरान कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जो कि मिसलीडिंग हो, और इसके नतीजे में ऐसा हो सकता है कि जो इंस्टाग्राम की मैनेजमेंट है ये आपका अकाउंट परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं और डिलीट भी किया जा सकता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो ऑथेंटिक हो। जी दोस्तों हमारा ये पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है। यहाँ पे यूज़र नेम वही ऑटोमेटिकली आ रहा होगा जो आपके इस अकाउंट में आपने डाला हुआ है। उसके नीचे फुल नेम आ रहा है। यहाँ पर आप ये चीज़ बिल्कुल याद रखें कि यहाँ पर आपने वो नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। फुल नेम के नीचे दोस्तों आ रहा है नाउन एज, तो यहाँ पे आपने जिस चीज़ से आप जाने जाते हैं आपने यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा हसाम ट्यूटोरियल्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो मैं यहाँ पे यही लिखूँगा। उसके नीचे दोस्तों आ रही है कैटेगरी। कैटेगरी में यहाँ पर बहुत सारी हैं, जैसे न्यूज़ मीडिया है, स्पोर्ट्स हैं, म्यूज़िक है, फैशन है, इंटरटेनमेंट है, ब्लॉगर है, या बिज़नेस ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप इनमें अप्लाई करें, अदरवाइज़ बिल्कुल लास्ट पे एक अदर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे तो आप अदर पे जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एंड पे हमारा जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पे हमने उनको कोई आईडी प्रूफ देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो प्रोवाइड उनको कर सकते हैं, पासपोर्ट या आईडी कार्ड वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप टैक्स फाइलिंग, यूटिलिटी बिल्स, और अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था सारा दोस्तों। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।